हेलो स्टूडेंट हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसके थ्रू नीट मेडिकल एग्ज़ाम में आप लोग बायोलॉजी में नब्बे क्वेश्चन में सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव क्वेश्चन सही कर सकते हैं तो आप लोग इस सीट इन नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अदर मेडिकल एग्ज़ाम के लिए भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर आप लोग फर्स्ट देखिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्राम द फॉलोइंग हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है बिडाल टेस्ट इज द टेस्ट यूज फॉर द डिटेक्टिंग कॉलरा तो कह रहा है बिडाल टेस्ट किया जाता है कॉलरा को डिटेक्ट करने के लिए ये गलत हो जाएगा टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है बिडाल टेस्ट बी ऑप्शन कह रहा है रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियर जिज फाउंडिन एच एच में आर री पाया जाता है रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियज तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन कहलाए मलेरिया इज काज बाई फीमेल एनाफ्लिज मॉस्कीटो तो मलेरिया में फीमेल एनाफ्लिज मॉस्कीटो जो बेक्टर का वो वर्क करता है मलेरिया किसके द्वारा काज होता है तो वो किसके द्वारा होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोमस होते हैं और डी ऑप्शन कह रहा है एडल्ट ह्यूमन पॉसिट ट्वेंटी सिक्स सर्वाइकल वर्टिवरी नहीं तो ह्यूमन ह्यूमन में कितने परजेंट होते हैं सर्वाइकल वर्टिवरी तो सेवन होता है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन बिडाल टेस्ट इज ईडा टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग टाइफाइड मलेरिया इज इसकाज बाई प्रोटोजोमस प्लाज्मोडियम एंड एडल्ट ह्यूमन प्रजेंट सेवन सर्वाइकल वर्टिवरी नेक्स्ट क्वेश्चन वैन ए म्यूटेशनल इवेंट लीड्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ वन कोडान फॉर अनदर कॉलिंग फॉर द सेम एसिड सेम अमीनो एसिड से चेंज हो जाती है दी रिजल्टिंग म्यूटेशन इज नोन है जो डी एन ए बेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं अमीनो सेम अमीनो एसिड से तो उसको साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं तो ये साइलेंट म्यूटेशन का क्या है डिफिनीसन ही है तो आप लोग ये क्लियर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और ये ऐसे क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं चाहे जो मेडिकल का एग्ज़ाम हो साइलेंट म्यूटेशन इज ये चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस जो न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं उसमें उसके सीक्वेंस में चेंज हो जाना हुइज कॉन्स्टिट्यूट डी एन ए विदाउट सब्सिक्वेंट चेंज इन द अमीनो एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन इंसेक्ट लाइक काकरोच एंड सिल्वर फिश हैव हुइज ऑफ द फॉलोइंग रिस्पायरेटरी पिगमेंट हम लोग में रिस्पायरेटरी पिगमेंट पूछ रहा है किसमें इंसेक्ट लाइक काकरोच में तो इसमें रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होता है क्योंकि काकरोच में क्या होता है ट्रैकिया होती है और वो पूरे बॉडी में ट्रैक्योल्स में चेंज हो जाती है तो ट्रैक्योल्स के थ्रू डिफ्यूज ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करके बॉडी सेल्स ले लेती हैं तो उसमें रिस्पायरेटी पिगमेंट नहीं होता तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हीमोग्लोबिन बी ऑप्शन हीमोसाइनिस सी ऑप्शन इर्थरोन किरु, किरु, और डी ऑप्शन नन तो ऑप्शन नंबर डी नन हो जाएगा कोई भी रिस्पायरेटिव पिगमेंट नहीं होता है इसका एक्सप्लेनेशन इंसेक्ट प्रजेंट ट्राइकियल सिस्टम हुई इज इट्स सेल्फ सफिशियंट टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन ट्राइकिया फॉर्म या नेटवर्क एंड इट्स ब्रांचेज रिस्ट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी विदाउट इन्वॉल्विंग द सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी टिश्यू रिसीव ऑक्सीजन को करती है बाई डिफ्यूजन फ्राम द ट्राइक्योल्स टाइक्योल के थ्रू बॉडी ऑक्सीजन को ले लेती है डिफ्यूजन के माध्यम से इन द मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन दिस सेंट्रोमियर डिवाइड ड्यूरिंग हुइच स्टेज ये कह रहा है मियोसिस के किस टाइप में सेल डिवीजन जो होती है सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है तो किस स्टेज में होता है तो आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि एना फेज सिकेंड में सेंट्रोल का क्या होता है सेंट्रोमियर का डिवीज़न होता है तो ऑप्शन नंबर डी एनाफेज सिकेंड दिया गया है तो यही सही हो जाएगा यहाँ ने यहाँ नेवर डिवाइड दिया एना फेज फर्स्ट एना फेज फर्स्ट और एना फेज सेकेंड में कन्फ्यूजन होता है तो एना फेज सेकेंड ही होगा तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर इज नॉट लिंक्ड विथ बैलेंसिंग कह रहा है इंटरनल ईयर का कौन सा पार्ट होता है जो बैलेंसिंग में वर्क नहीं करता तो कॉकलिया फर्स्ट ऑप्शन बी ऑप्शन साइकुल सी ऑप्शन यूट्रिकुलियर और डी ऑप्शन सेमी सर्कुलर कैनाल तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट काकलिया सही हो जाएगा क्योंकि काकलिया हेयरिंग में वर्क करता है एच ई ए आर आई एन जी हेयरिंग में सुनने में वर्क करता है ना कि बैलेंसिंग में बैलेंस तो बॉडी को बनाता है साइकुली एट्री और सेमी सर्कुलर कैनाल ये किसका पार्ट होता है इंटरनल ईयर इज मेड अप ऑफ काकलिया एंड बेस्टिबुलर अपरेटस इंटरनल ईयर जो बना होता है वो काकलिया से बना होता है और बेस्टिबुलर अपरेटस तो बेस्टिबुलर अपरेटस में साइकुली एट्रिकली और थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल आते हैं जो कि तीनों ऑप्शन में दिया गया है कॉकलिया मीन फार हीरिंग में वर्क करता है हॉइल जबकि वेस्टिबुलर ऑपरेटस मीन फार बैलेंसिंग में वर्क करती है मार्क द करेक्ट इस्टेटमेंट हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है तो करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है लाइनटी सेल्स जो होती हैं और रिमेंस ऑलवेज ओपन लाइनटी सेल्स होती हैं ये उड में होती है पेड़ों के उड में लकड़ी में होती है तो ये लाइनटी सेल्स जो होती हैं हमेशा खुली रहती हैं तो ऑप्शन सही है बी ऑप्शन बी ऑप्शन कह रहा istometa. Istometa है लाइनटी सेल्स पोर्स आर लार्जर देन स्टोमेटा स्टोमेटा जो पोर्स होते हैं उनसे हमेशा बड़ी होती है बी ऑप्शन सही है सी ऑप्शन लेंटिकुलर ट्रांसफारेशन ओनली वन परसेंट ऑफ द टोटल ट्रांसफारेशन तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है तो डी ऑप्शन कह रहा हाल आल ऑफ द एब तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है लेंटी सेल्स इज पोरस टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ सेल्स विथ लार्जर इंटरसेलुलर स्पेस इन द पेरिडर्म ऑफ द सेकेंडरी थिकन ऑर्गन्स एंड द बार्क ऑफ उडी स्टेम उडी स्टेम में होता है एंड रूट ऑफ डाइकाटी लिडेनस फ्लावरिंग प्लांट में भी होता है फंक्शन एज पोर प्रोवाइडिंग पाथवे फॉर द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैस बहुत बार पूछता है कि ट्र, ट्राइकोम जो होता है क्या फंक्शन होता है तो ये पाथबे होता है किसका डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इंटरनल टिश्यू एंड एटमॉस्फेयर थ्रू द सेलेक्ट द सेट ऑफ मिजोडर्म स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग हम लोग के हम लोग को क्या बताना है इक्टोडर्म इंडोडर्म मिजोडर्म ओरिजिन तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मीजोडर्म ओरिजिन किसकी होती है तो इनेमल पैंक्रियाज पैंक्रियाज की इंडोडर्मल हो जाएगी यहाँ पे हाइपोथैलमस दिया गया है इंडोडर्मल यहाँ पे पिट्यूटरी दिया गया है ये भी इंडोडर्मल तो टेस्टिस और किडनी की जो ओरिजिन होती है वो मीजोडर्मल होती है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा एक्सप्लेनेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं मेडिकल एग्जाम में डेंटाइन टेस्ट 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 दिया गया है एंड किडनी आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन ये तीनों मिजोडर्मल होते हैं ये आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए और इनिमल पिट्यूटरी एंड हाइपोथलमस ऑफ एंड एक्टोडर्मल यहाँ पिटूट्रियम इंडोडर्मल बोल दिए थे लेकिन एक्टोडर्मल होता है और पैंक्रियाज एंड लीवर आर ऑफ इंडोडर्मल ओरिजिन दो ही होते हैं तो ये तीनों आप एकदम कहीं भी आप लिख लीजिए फर्स्ट पेज पर पे, अपने नोटबुक में नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट्रेट टू नाइट्राइट आकर्सिन जब कन्वर्जन होता है नाइट्रेट का नाइट्राइट में तो वो कहाँ पे होता है तो ये होता है साइटोसाला प्लांट सेल प्लांट सेल के साइटोसाल में ये क्रिया चलती है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में नहीं सोम ऑप्शन दिए गए हैं नाइट्रेट एसिमिलेट पाथवे कंपोनेंट ये सब दिया गया है एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन द एंजाइम इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नेम्ड एज वो कौन कौन से एंजाइम इन्वाल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र में उसका नेम बताना है फर्स्ट ऑप्शन आइसोमरेज बी ऑप्शन ट्रांसफरेज सी ऑप्शन ऑक्सी डो रिडक्टेज तो आक्सी रिडक्टेज जो एंजाइम होता है ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र में एंजाइम इन्वॉल्व होती है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और डी ऑप्शन लाइजेज दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्लांट हार्मोन प्लांट हार्मोन दिए गए हैं और क्या हम लोग को देखना है इनकरेक्ट देखना कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है तो फर्स्ट ऑप्शन दे इन्फ्लुएंस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड लो कंसनट्रेशन तो ऑप्शन सही है लो कंसनट्रेशन में प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है प्रभावित हो जाती है बी ऑप्शन एप्सेसिक एसिड इज ग्रोथ रिटार्डिंग हारमोन एफ्सिसिक एसिड ए बी ए हारमोन होती है प्लांट हारमोन होता है ये प्लांट को ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है मतलब कम कर देता है रोक देता है सी ऑप्शन दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो हार्मोन होते हैं ये आर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ए बी ऑप्शन सही है डी ऑप्शन इथाइलिन डिक्रीज रिस्पायरेशन रेट इन फ्रूट इथाइलिन जो करता है फ्रूटिंग में वर्क करता है और ये रिस्पायरेशन रेट को बढ़ा देता है ना कि घटा देगा तो डी ऑप्शन गलत दिया गया जो कि इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्लांट हार्मोन से फिक्स है कि क्वेश्चन कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम हो प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन आते ही हैं पाँच छः एन में हार्मोन दिए गए हैं सभी हार्मोन के फंक्शन और उसका सेकंड नेम याद कर लीजिए एकदम क्लियर है कि आता ही एग्जाम में अब देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है इथाइलिन इज हाइली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग इट इनहेंस बढ़ा देती है रिस्पायरेशन रेट ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट राइपनिंग जब फ्रूट पकता है तो उसमें रिस्पायरेसन रेट बढ़ ही जाती है दिस राइज इन द रेट ऑफ रिस्पायरेसन इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक कहते हैं ये भी पूछता है रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक बढ़ जाती है इथाइलिन हार्मोन वर्क करने से नेक्स्ट क्वेश्चन रिडक्शन ऑफ एन ए डी डज नॉट अकर इन हुइच ऑफ द फॉलोइंग एन ए डी का रिडक्शन किस फेज में नहीं होता जो क्रेप साइकिल की फेज होती है वो किस फेज में नहीं होता तो फर्स्ट ऑप्शन आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा अल्फाक्यूटोगिटेरिक एसिड होता है वहाँ पे एन ए डी का रिडक्शन होकर एन ए डी एच प्लस एच पॉजिटिव में बना लेता है एन ए डी एन ए डी एच प्लस एच पॉजिटिव में ये चेंज हो जाता है तो यहाँ भी होता है और बी ऑप्शन माइलिक एसिड जब चेंज होती है एगजेलो में तब वहाँ भी यही क्रिया होती है पारविक एसिड को एंजाइम तो वहाँ तो होती है और सक्सेनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड जब वहाँ पे होता है तब ये क्रिया वहाँ पर एन नहीं हुआ है एफ ए चेंज होता है यफ में तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये देख लीजिए एफ एडी रिड्यूज होता है टू एफ एडी एस टू में एंड एंजाइम इन्वॉल्व इन दिस स्टेप इस शक्सेनिक एसिड टू डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क करता है न्यूसलियर एम्ब्रियो आर जो न्यूसलियर एम्ब्रियो होती है वो कौ, कौन सी एम्ब्रियो होती है फर्स्ट ऑप्शन एम्पीमिक्टिक होती है या एपोमिक्टिक होती है या एपोमिक्टिक्लोइड होती है या पेंटाप्लॉयड होती है तो न्यूसलियर इम्ब्रियो जो होता है वो ईपोमिक्टिक डिप्लॉयड होती है यह भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन ये एग्रोजल इलेक्ट्रोफ्रोसिस एग्र, ये क्या दिया गया है ये जो ए, एग्रोजल इलेक्ट्रोफ्रोसिस दिया गया है ये क्या शो करता है ये माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए एन फ्रेगमेंट शो करता है तो इसमें हम लोग को फर्स्ट ऑप्शन देखना है डी माइग्रेट कर जाते हैं टूअर द निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं तो डीएनए तो निगेटिव होता ही है ये पॉजिटिव की तरफ जाता है पॉजिटिव की तरफ जाता है ये नोट की तरफ जाता है तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा बी ऑप्शन सुपर क्वाइल्ड प्लाजमिन माइग्रेट स्लोअर देन दियर नाइकेट ये भी गलत है सी ऑप्शन लार्जर मालिक्यूल माइग्रेट फास्टर देन स्मॉलर मालिक्यूल ये तो गलत है क्योंकि ये तो गलत है कि स्मॉलर मालिक्यूल फास्टर मूव करते हैं ग्रेटर देन लार्जर से तो ये तो गलत लिखा है डी ऑप्शन ब्रोमाइड कैन इन डीएनए डीएनए को देखने के लिए इथेडियम ब्रोमाइड यूज किया जाता है इथेडियम ब्रोमाइड यूज करके स्टैंड जेल लिए एक्सपोज टू यू बी लाइट उस पर डालते हैं फिर डीएनए शो होता तो D, है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इथेडियम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इथेडियम ब्रोमाइड इज एंड इंटरकलेटिंग एजेंट कॉमनली यूज एंड फ्लोरोसेंट टैक्स के रूप में यूज करते हैं इन मालिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी टेक्निक सच एज एग्रोजल इलेक्ट्रोफ्रोस इज कॉमनली एव्रिवेटेड ई टी बी आर नेक्स्ट क्वेश्चन इस्कम फ्लोइट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर जो माइल कहते हैं इस्कम को जैसे माइल जो वाटर सर्फेस पे मूव करता है वो फ्लोटिंग करती है वो किस कारण करती है फर्स्ट ऑप्शन द डेंसिटी ऑफ सेल इज़ मोर देन दैट ऑफ वाटर वाटर से इसकी सेल की डेंसिटी जो होती है अधिक होती है नहीं इस वजह से नहीं ऑक्सीजन एक्यूमलेट इन इट ऑक्सीजन एक्यूमेट ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाता है एक जगह हो जाती है इसी फ्लोट करती है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ लिखा सल्फ एच टू एस एक्ूमलेट इसकी वजह से नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हुइज ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट क्रेनियल बोन इसमें कह रहा है क्रेनियल बोन में कौन सा इन्वॉल्व नहीं होती है तो क्रेन ये जो ब्रेन में होती है ह्यूमन स्कल आर टू टाइप ऑफ बोन होती है नंबर एक क्रेनियल बोन होती है और नंबर दो फेशियल बोन होती है तो आप लोग देख लीजिए क्रेनियल बोन में क्या क्या आता है इसमें इंक्लूड होते हैं पेराइटल बोन पैराइटल बोन इंक्लूड होती है